अक्सर ऐसा होता है कि मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग होती है वो रात से चालू होती है, मतलब सवेरे वाली रात। आज ऐसा क्या हो गया कि मुझे अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग इतने दिन में करनी पड़ रही है। ओके, सो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है वो इस समय डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बेसिकली एक ऐसी चीज होती है कि जिस चीज के बिना आप डेली ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते, मतलब डेली ब्लॉगिंग का जो बेस होता है उसका एक की पॉइंट होता है कि उसमें आपको एक्सट्रीमली डिसिप्लिन चाहिए होता है। डेली ब्लॉगिंग की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और सबसे मुश्किल रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट यही है कि आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल वाली डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो अगर आप अगर डिसिप्लिन में अगर नहीं रहोगे तो बेसिकली डेली ब्लॉगिंग इतनी पॉसिबल नहीं होती है। आप लोग ने कभी नदी में आप लोगों ने झाग चलते हुए देखा है क्या? मतलब वो जो साबुन का वो जो झाग नहीं होता है, आप लोग ने वो कभी नदी में चलते हुए देखा है क्या? शायद कभी नहीं देखा होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो, ये झाग है। और ये झाग पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मतलब कहीं से तो आ रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं पता। कि सारा झाग जो है वो डिस्पोज कर देता हूँ रिवर में। So, अब बेसिकली मैं भी जब अब डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी एकदम एक्सट्रीम डिसिप्लिन में मुझे रहना पड़ता है। मतलब मुझे सुबेरे सुबेरे लगभग मैं 4:30 से 5 बजे के मैं बीच में उठता हूँ। उसके बाद मैं 5:30 बजे मैं निकल जाता हूँ मैं घर से, कुछ नहीं पता होता, बस निकलना होता है मुझे। वो मेरा एक डिसिप्लिन का एक पार्ट है। और सवेरे के 5:30 बजे निकलने के बाद मैं शूट करता हूँ व्लॉग। उसके बाद बेसिकली जितना भी समय लग जाए व्लॉग शूट करने में वो मैं करता हूँ। और जैसे ही व्लॉग शूट हो जाता है फिर मैं अपने घर जाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ उसी पार्ट को तुरंत। फिर उसके बाद जो है वो व्लॉग मेरा तैयार होता है, वो भी लगभग रात के 9 या 10 बजे के लगभग। अब आज मैंने डिसिप्लिन कहाँ पर ब्रेक की? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं सवेरे 5:30 बजे घर से निकलना होता है किसी भी हाल में। मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी चल रहा होता है जिंदगी में, लेकिन 5:30 बजे मुझे घर से निकल जाना है। वो मतलब एक मेरा टाइट डिसिप्लिन का एक शेड्यूल है। उसका रीजन ये है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि मैं सवेरे 5 बजे, उस समय ऐसा पता नहीं कौन से नशे में था मैं, मतलब ऐसा मेरी नींद ही नहीं खुली। मेरी नींद ना बेसिकली 6 बजे खुली है। सबसे पहले मैं उठा और मैंने जब अपना जब फोन चेक किया, इतना तेज मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब फट गया एकदम न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह। और मैं क्या बताऊँ यार, इतना दुख हो रहा है कि मैंने जो है वो अपना डिसिप्लिन को ब्रेक किया। मुझे अंदर से गिल्ट हो रहा है। देखो बेसिकली वो जो समय होता है ना सुबह का 4:30 से 5:30 के बीच में, उस समय में मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे ब्लॉग किस चीज के ऊपर करना है, क्या ब्लॉग करना है, कहाँ जाना है, ये वो पैंड है वहाँ का। आज ना बेसिकली आज मुझे वो प्रेप टाइप नहीं मिला। मैं जब सुबह उठा, मैंने फोन अपना चेक किया, थोड़ा तेज मेरा माइंड मेरा ब्लो हो गया। मैं ना मुझे जरा सा भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, शूट करूँ आज ना करूँ, इतना ना तेज मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि मैंने अपना डिसिप्लिन ब्रेक किया है। मैंने क्विकली डिसाइड किया कि सीधे कैमरा उठाओ निकल जाओ, बिना सोचे समझे जो समझ में आए वो बोल देना, लेकिन अभी जो है वो कैमरा उठा के निकल जाओ। ना बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो कि जरूरी भी होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपका पूरा काम खराब कर सकती है और पॉसिबली हो सकता है पूरा फ्यूचर पूरा खराब कर सकती है सिर्फ नींद। अब ये जो मेरी ब्लॉगिंग है ना, बेसिकली ये जो काम है मेरा, इसमें मैं जरा सी भी मैं फालतू का टाइम इधर उधर मैं नहीं दे सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास टाइम ही नहीं होता है किसी और चीज को देने के लिए, कि मैं कोई और काम करूं या मैं ज्यादा सो जाऊं, वो तो एक कते ही नहीं कर सकता। वो बेसिकली अब ये जो काम है मेरा ये फुल ऑन ये टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं होता है कि मैं किसी और चीज के लिए टाइम निकालूं या किसी से मिलने के लिए टाइम निकालूं या जो भी है, मैं वो चीज मैं नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं टाइम वेस्ट करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज मुझे गुस्सा मेरे को इसीलिए आ रही है कि मैं थोड़ा सा मैं ज्यादा सो गया, और थोड़ा सा ज्यादा सोने के बाद मैं कुछ सोच नहीं पाया आज किस चीज के बारे में ब्लॉग बनाना है और क्या करना है। और थोड़ा ज्यादा सोने के बाद वो जो मेरा दिमाग है वो इतना दिमाग खराब हो गया, मतलब उसका दिमाग का दिमाग खराब हो गया, मतलब क्या बात है।
थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया कि जो है टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है और डिसिप्लिन कितनी जरूरी होती है। ये बेसिकली डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप ठीक से आप जॉब नहीं कर पाओगे, आप ठीक से आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन जो होता है ना आपके लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा होता है, बहुत ही एसेंशियल हिस्सा होता है। अगर ये सोच रहे हो कि हाँ भाई साहब मैं अगर 12 बजे उठूंगा फिर उसके बाद मैं ब्लॉग कर, पता नहीं है मैम ये सब चीज़ें ना मेरे दिमाग में नहीं पड़ती कि मैं 12 बजे उठूँ फिर मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँ फिर ब्लॉग को ख़त्म करूँ फिर ये वो फैन वगैरह, फिर रात में मैं 2 बजे जाके मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है। गुस्सा जो है वो कम हो गया, कैमरे के सामने इतनी भड़ास निकालना यार ये सही है यार। मतलब कोई भी अगर भड़ास हो मैं कैमरे के सामने निकाल दूँ और मेरा मन एकदम पूरा हल्का हो जाता है। यहाँ पर आए थे एकदम पूरा दिमाग खराब सिचुएशन में, लेकिन अभी जो है कैमरे के सामने भड़ास निकालने के बाद सिचुएशन जो है वो परिवर्तन उसमें आ गया है। ओके सो बेसिकली ये जो पार्क है ना इस पार्क का नाम है रिवर फ्रंट। अब मतलब मैं कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो पार्क का जो नाम है इस पार्क का नाम है रिवर फ्रंट। और ये इतना खूबसूरत पार्क है, इतना अच्छा पार्क है, इतना बेहतरीन पार्क है, मतलब ये जितना खूबसूरत ना दिन में लगता है। यहाँ पर ना पूरी वैसे ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह है, पूरा हरा हरा है। ये जितना खूबसूरत ये दिन में लगता है ना ये उतना ही ज्यादा खूबसूरत रात में लगता है जब यहाँ पर जब लाइटें बेसिकली जलती हैं। आज जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रात में यहाँ पर आऊँ और मैं आप लोगों को रात का व्यू जो है वो जरूर दिखाऊंगा आज के इस ब्लॉग में। ये सारी चीजें जब एक साथ जब जगमगाती है ना मतलब पूरा मजा आ जाता है देखने में यार इसको। आजकल तो ऐसा है कि सवेरे सवेरे लगभग रोज शर्मा की चाय पीने हम लोग पधार दे रहे हैं, लेकिन अगर एकदम अगर सवेरे आओ ना जिस समय जब दुकान जब खुलती है बेसिकली जब उस समय की चाय एकदम अलग ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ओनर है वो बनाते हैं। इस समय ओनर उनके नहीं बनाते, वर्कर बनाते तो थोड़ा सा पानी कम मतलब पानी ज्यादा दूध कम वो लोग थोड़ा डाल देते हैं। ये वैसे डिसेंट लगती है चाय, जब भी मन करता है मुँह उठा के आ जाते हैं। मैं तो कल रात में भी आया था, लेकिन और पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो आप लोगों को गोल वाला समोसा नहीं दिखाया था। ये देखो ये गोल वाला समोसा है यहाँ का, मतलब एकदम गोल मटोल है पूरा। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे पसंद है यहाँ का समोसा। मैं समोसा हालांकि खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का जो समोसा है वो अलग रहता है ना, ज़्यादा तीखा रहता है और मीठा मीठा तो छोड़ो, और ना ही ज़्यादा ऑयली लगता है। मैं इस समय मैं रिवर फ्रंट पार्क में हूँ और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि रात में जो है ये पार्क और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो इस समय रात हो चुकी है एज यू कैन सी, मतलब ऑब्वियसली आप लोग तो देख ही पा रहे होंगे, लेकिन जो है वो रोशनी थोड़ी सी कम है तो बेयर कर लेना क्वालिटी के साथ। क्वालिटी ऑब्वियसली थोड़ी लो लाइट में डिम हो जाती है, तो ये पार्क कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर ना बेसिकली एक लाइट है, वो लाइट अभी जल नहीं रही है, आप लोगों को दिखाता हूँ एक मिनट। ओके सो ये जो है ये पूरा अंधेरा हो चुका है, लेकिन बेसिकली कुछ ऐसी कुछ लाइट्स हैं वो हर जगह लगी हुई है, यहाँ पर हर जगह लगी हुई है। बेसिकली ये वाली जो लाइट्स है ये उधर भी लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है। अगर ये सारी अगर लाइट्स अगर जलती तो इतना खूबसूरत लगता ना ये बेसिकली, मतलब बहुत ही एकदम अलग लेवल का लगता। अभी जब मैं कुछ दिन पहले आया था तो उस समय जल रहा था, लेकिन अभी नहीं जल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ का जब भी मैं टाइम लैप्स लेता हूँ ना बेसिकली वो जो सामने वाला ब्रिज है वो ऐसा दिखता है, मतलब मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ दिखता कैसा है रात में। रात में स्पेशली वो बहुत खूबसूरत दिखता है। मतलब ये इतना खूबसूरत दिखता है ना यार रात में, कैमरा बिल्कुल भी कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इस समय। ओके तो चलो गाइज अभी क्या है ना अभी रात इस समय हो चुकी है, मैं सिर्फ यहाँ पर मैं टाइम लैप्स लेने आया था और टाइम लैप्स मैंने ले लिया है जितना भी मुझे लेना था।